नमस्कार, मैं प्रदीप शर्मा एक और लेटेस्ट वीडियो के साथ। एक घर के अंदर मैंने 3 बेडरूम में काम किया है, जिसमें ये पहले रूम में मैंने एक बेड बनाया है बिना हेडबोर्ड का। और ये दूसरे रूम में मैंने मंदिर बनाया है, जिसमें मंदिर को बस सिंपल डिजाइन से ऊपर में ड्रॉअर और नीचे में बस 3 सेल कबर्ड बना दिए स्टोरेज के लिए। और ये किचन रूम है, किचन रूम में मैंने एक छोटा सा कैबिनेट बनाया है और ये लंबा कैबिनेट, जिसमें ये दो पल्ले हैं जिसके बीच में एक शेल्फ जाएगा। उसके बगल में मैंने 2 दरवाजे दिए हैं, इसमें भी एक शेल्फ जाएगा। और ये जो उसके बगल में जो लंबा 5 फीट बाई 4 फीट का जो, उसके अंदर मैंने वाइट और रेड लेमिनेट से बना करके मैंने ये मैचिंग किया है। और इसके बीच में भी मैंने 2 शेल्फ लगाए हैं छोटे छोटे सामान रखने के लिए। और उसके बाद में तीसरे रूम में मैंने एक बेड बनाया है 6 बाई 7 का किंग साइज, और इसका हेडबोर्ड मैंने डिजाइनिंग के साथ में चॉकलेट और वाइट के साथ कॉम्बिनेशन किया है, देख सकते हैं ये। इसके मैंने ऊपर 40 वाइट सनमाइका लगाया है। और ये उसके बगल में साइड टेबल, जिसमें मैंने 2 ड्रॉअर बनाए हैं कुछ भी सामान वामान रखने के लिए इसके ऊपर में। और ये बेड का चाली उठा करके आप इसके अंदर में स्टोरेज कर सकते हैं। और ये रहा वार्डरोब के बीच में दो दरवाजे हैं, जिसमें मैं हैंगिंग के लिए पाइप और ये दोनों दरवाजे के ऊपर में मैंने चॉकलेट कलर से डिजाइन किया चारों तरफ पूरे स्क्वायर में। और ये ऊपर का स्टोरेज ट्रैंग बोल सकते हैं इसको, टोटल 6 पल्ले हैं। ये बीच का पल्ला मैं खोल के दिखा रहा हूँ आपको, इसमें आराम से। और ये वार्डरोब के साइड में एक सिंगल पल्ला, जिसमें मैंने शेल्फ लगाया है 3, इसमें आप। और इसके दाहिने तरफ का ये सिंगल पल्ला, इसमें भी मैंने 3 शेल्फ लगाए हैं। ये पूरा वार्डरोब का डिजाइन आप देख सकते हैं, क्योंकि बहुत खूबसूरत ही दिख रहा है वाइट और चॉकलेट का कॉम्बिनेशन में। और इसी रूम में मैंने एक 1.5 टन का AC लगाया, ये दूसरे रूम में 1.5 टन का AC। और ये मंदिर जिसको मैंने, इसमें बीच में एक शेल्फ जाएगा, ये 6 फुट बाई 2.5 फुट का साइज है, इसमें भी एक शेल्फ जाएगा। यह वीडियो आपको कैसा लगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।